हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों मैं एल्जेब्रा के चार ऐसे क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि अक्सर बहुत बार ही ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने अभी तक सिंपल क्वेश्चन किए हैं जैसे ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू सिक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। लेकिन यहाँ पर हम जैसे थ्री ए प्लस वन बाई फाइव ए इक्वल्स टू हमारा सिक्स के हैं, हमें निकालना है पच्चीस ए स्क्वायर प्लस वन बाई नाइन ए स्क्वायर की वैल्यू। अब दोस्तों इस तरीके से अगर हम इसका भी स्क्वायर करें तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, नाइन ए स्क्वायर प्लस अपॉन वन अपॉन 25। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आपको करना क्या होता है, अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव ए का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री ए का स्क्वायर, यानी कि फाइव ऊपर और थ्री नीचे। तो हमें क्या करना होगा, इसको फाइव अपॉन थ्री से गुना कर देनी होगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाई फाइव अपॉन थ्री। जब हम इसको फाइव अपॉन थ्री से करेंगे तो ये तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा ऊपर, फाइव ए। इसी तरीके से इसको गुना करेंगे तो पाँच से हमारा पाँच कट जाएगा और कितना आएगा, वन बाई थ्री ए। इसी तरीके से इधर भी हमें फाइव अपॉन थ्री से गुना करनी पड़ेगी, तो तीन दूनी छः, तो हमारा कितना आया, फाइव अपॉन वन प्लस फाइव ए प्लस वन बाई थ्री ए इक्वल्स टू हमारा कितना आया, टेन के। अब इस वैल्यू से हमें एक नेक्स्ट स्टेप आगे जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सपोज दैट हमने इस तरीके के सवाल किए थे कि इसको इस पर जाने में, तो इसी तरीके से इससे फाइव ए स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब क्या करना होगा इसके लिए, हमें टेन का स्क्वायर माइनस टू। लेकिन अब यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की वाली बात है, क्योंकि इसका कोफिशियंट कितना है, फाइव, तो यहाँ पर हम फाइव भी लिख लेंगे, इसका कोफिशियंट कितना है, वन अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री। इन दोनों के कोफिशियंट हम यहाँ पर पुट करेंगे जो कि हमारा माइनस का एक टर्म, तो यानी कि कितना होगा हमारा, हंड्रेड माइनस टेन अपॉन थ्री। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, थ्री हंड्रेड माइनस टेन अपॉन थ्री, कितना आया ये हमारा, दो सौ नब्बे अपॉन तीन। तो ये हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए प्लस वन अपॉन सिक्सटी फोर ए इक्वल्स टू थ्री के, तो हमें फाइंड क्या करना है, सिक्सटी फोर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन सिक्सटी फोर ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एट ए का स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन अपॉन एट ए का स्क्वायर। अब हमें यहाँ भी एट लाना है और यहाँ भी एट लाना है, लेकिन हमारा यहाँ पर कितना है, 64, तो इसको हम क्या करना होगा, 8 से यानी कि 8 से गुना दोनों तरफ। तो जब यहाँ 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 8a, और यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8 अपॉन 64, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 8 8 64। इसी तरीके से 3 के 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आएगा यहाँ पर, 24। वही एक स्टेप आगे, यानी कि एट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एट ए स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, टू, हम करते थे ना एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू। अब दोनों कोफिशियंट ये सेम होते थे तो इसी तरीके से हम यहाँ नहीं लिखते थे, अगर हम यहाँ लिखे तो 2x अपॉन 1 बाई एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाता है हमारा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 8 है हमारा, यहाँ पर भी 8 है, अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल, तो 24 का स्क्वायर कितना आता है, 576 माइनस 2, तो कितना आया आंसर हमारा, 574। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हम चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इसमें
दिया है कि 4b² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 2, तो हमें फाइंड क्या करना है, 8b³ प्लस 1/b³, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं हम, 2b³ प्लस 1/b³। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको ही इसी तरीके से हम करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2b² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 2। अब दोस्तों इससे तो हम डायरेक्ट इस पर नहीं जाते, यानी कि अगर हमें क्यूब का निकाल वो क्यूब का जो निकालना होता है, ये हमारा सपोज ए, अगर हम इससे निकाले जाएं तो क्यूब हमारा ए प्लस 1/a से निकलता है, ना कि हमारा स्क्वायर से। ठीक है फ्रेंड, तो हमें पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस 1/a। अब इसको लाने के लिए मैंने आपको प्री मतलब कि बैकवर्ड का एक फॉर्मूला आपको बताया था, यानी कि ट्रिक बताई थी, तो जब इससे हम बैकवर्ड में आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पावर एक कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2b प्लस 1/b अंडर रूट 2। अगर यहाँ पर हम प्लस में ही ले ला रहे हैं इसको प्लस में, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा, अगर माइनस में लाते तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाता। तो हमें कितना करना पड़ता है, 2 हम जोड़ देते हैं, लेकिन हमें यहाँ करना क्या है, हमारा यहाँ पर कोफिशियंट कितना है 2, तो इसी तरीके से हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारे कोफिशेंट की। तो कोफिशेंट का मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया, अंडर रूट 6, यानी कि 2b प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आई हमारी, अंडर रूट 6। अब इस तरीके से अब हम इसका क्यूब करेंगे, यानी कि इससे एक स्टेप आगे, तो 2b³ प्लस 1/b³ कितना हुआ हमारा फॉर्मूला, ये हम पुट करेंगे तो यानी कि अंडर रूट 6 का क्यूब कितना होगा हमारा, 6 अंडर रूट 6 माइनस 3। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक कोफिशेंट हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा, अगर हमारा एक कोफिशेंट है, एक के साथ भी कोफिशेंट आ रहा है या अलग अलग दोनों में अलग अलग आ रहे हैं, तो वो हमें दोनों पुट करने पड़ते हैं। अगर जो सेम कोफिशेंट होता है यहाँ पर भी हमारा 2b होता तो हमें नहीं लिखना पड़ता। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 × 2 हमारा ये कोफिशेंट जो है √6, तो कितना आया, 6√6 माइनस 6√6, तो आंसर हमारा कितना आया, 0। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कोफिशेंट का आपको बस एक कोफिशेंट जो है हमारे उनको याद रखना पड़ेगा आपने। इसी तरीके से मैं फोर्थ क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 3x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 5 के है, तो हमें 8x³ प्लस 1/327x³, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही 2x³ प्लस 1/3x³। अब इसको इस फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, वही 2/3 से हमें गुना कर देनी होगी। जब 2/3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2x। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा होगा 3x इक्वल्स टू 5 × हमने 2/3 से गुना करी थी, तो इधर भी हमारा 2/3 आ जाएगा, तो 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 10/3। अब इससे हमें जाना है क्यूब पर, तो जब हम इससे क्यूब पर जाएंगे, यानी कि 2x³ प्लस 1/3x³ इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, 10/3³ माइनस 3 × a, 3 × a हमारा 10/3 है, लेकिन अब वही कोफिशेंट का जो चक्कर है, इसका भी कोफिशेंट और 1/3, ये दोनों कोफिशेंट भाई, ये हमारा 2 है और इसका जो कोफिशेंट है वो है हमारा 1/3। अब 1/3 से 1/3 हमारा कैंसिल, ये कितना हुआ हमारा 1000/27 माइनस 20/3। अब 20/3 एलसीएम हमारा कितना ले लेते हैं हम, 27, तो यहाँ पर 1000 रह जाएगा हमारा, माइनस ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 times, तो 9 की मल्टीप्लाई 20 में, तो 180। अब 1000 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा, भाई बचना चाहिए, हम 200 माइनस कर देते हैं, तो 200 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 800, लेकिन 800 नहीं है, 20 हमने ज़्यादा ले लिया था, तो कितना होगा आंसर हमारा, 820 अपॉन
27, यही हमारा आंसर। अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 8x³ + 1/27x³ की वैल्यू कितनी आई हमारी, 820/27, वही। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम दोस्तों चलते हैं अब धन्यवाद की तरफ। थैंक यू दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में। ओके, बाय बाय।